सरोकार। रायबरेली में बसपा चला रहे गांव चले अभियान, यूपी की सभी विधानसभा में आयोजित होगी बैठक। फरीदाबाद में 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का आयोजन, नॉर्थ ईस्ट राज्य के हस्तशिल्पकार हो रहे शामिल। तुर्की में आया महाविनाशकारी भूकंप, मदद के लिए एनडीआरएफ टीम हुई रवाना। प्रयागराज में 9 दिवसीय किसान मेले का हुआ आयोजन, अपर मुख्य सचिव कृषि विभाग ने मेले में की शिरकत। रायबरेली में भू माफिया ने ग्रामीणों की जमीन पर किया कब्जा, खबर कवर करने गए पत्रकार के साथ हुई अभद्रता। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में आयोजित होने वाली G20 और इन्वेस्टर सम्मेलन को लेकर एलडीए आवास विकास पर्यटन विभाग समेत सभी प्रमुख विभागों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं अलग अलग देशों से आए लोगों के स्वागत के हर इलाके में प्रदेश की संस्कृति को दर्शाया गया है। इसी को लेकर आज प्राइम टीवी ने कार्यक्रम स्थल वृंदावन इलाके में बड़े डिफेंस एक्सपो ग्राउंड का निरीक्षण किया है। लखनऊ में G20 और इन्वेस्टर समिट का आगाज़ अब हो चुका है। तकरीबन 2 दिन के बाद यहाँ पर तमाम जो देश के लोग हैं, देश के जो मेहमान हैं, अलग अलग विदेशों से यहाँ पर आएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के वृंदावन, जहाँ पर डिफेंस एक्सपो हुआ था 2 साल पहले। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से सजावट की जा रही है। राजधानी लखनऊ को सजाया गया है पूरी तरह से दुल्हन की तरह, और यहाँ पर तकरीबन 40 देशों के मेहमान आने की बात है। बाहर की सजावट भी हमने आपको दिखाई, यहाँ पर तमाम जो देश के लोग हैं, देश के झंडे लगे हैं यहाँ पर, और तैयारियाँ बहुत ज़ोरों शोर से हैं। तमाम जो फोर्सेज भी तैनात की गई है। इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यमुना हॉल 4 है, और यहाँ की आप तैयारी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं, क्योंकि मात्र 48 घंटे बाद ये सम्मेलन होना है। यहाँ पर पीएम मोदी भी आएंगे और तमाम जो देश के बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे, यहाँ पर शिरकत करेंगे। और आप देख सकते हैं तैयारियाँ बहुत बेहतर तरीके से हो रही, क्योंकि यहाँ पर निवेश किया गया है, तकरीबन हर विभाग को दिया है, नगर निगम से हो गया, आवास विकास हो गया, लखनऊ विकास प्राधिकरण हो गया, सबको अपनी अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। सभी बहुत बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेहमान आएंगे, तमाम इन्वेस्टर आएंगे, लगभग तकरीबन 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने के संकेत हैं, और करोड़ों जो बेरोजगार युवक हैं उन्हें रोज़गार भी मिलने की संभावना व्यक्त होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर जो एक नदी है, राप्ती नदी भी है और सोन नदी है, और तमाम यहाँ पर एक स्टॉल बनाए गए हैं। और यहाँ पर हम शुरुआत से ही आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर लगातार बहुत ही बेहतर तरीके से कारीगरी की गई है, क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी से लेकर तमाम जो देश के बड़े दिग्गज नेता हैं और तमाम जो देश के बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे वो अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे बिरला हो, टाटा हो, और तमाम जो महिंद्रा हैं वो यहाँ पर आएंगे, शिरकत करेंगे और राजधानी की खूबसूरती को देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों के लिए बहुत ही बेहतर सुविधा भी रखी गई है, और ये गाड़ी रखी गई है यहाँ पर, गाड़ी से लोग वहाँ से गेट से आएंगे और यहाँ तक अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचेंगे। कैमरामैन नीरज के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी लखनऊ। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने गाजीपुर का दौरा किया, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार पर जो चोट हो रही है वो कांग्रेस और सपा को ज्यादा लग रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव को जनता की अदालत ने नकार दिया है। स्नातक शिक्षक चुनाव में बीजेपी ने 5 में से 4 सीटें जीती हैं, ऐसे में अब सपा उच्च सदन में विपक्ष के नेता का पद भी हासिल नहीं कर सकती। बता दें कि डिप्टी सीएम ने दिवंगत बीजेपी नेता प्रभुनाथ चौहान के घर पहुंचकर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त किया। इसी के साथ केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और डिप्टी सीएम ने राइफल क्लब में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की।
कि सरकार के समय का डेटा मैं किसी दिन दे दूंगा, किसी दिन सदन में भेंट होगी। जब उनकी सरकार थी, एक विशेष जाति, एक विशेष वर्ग और कुछ विशेष जिले के लोग होते थे। आज उनको पिछड़ों की याद क्यों आ रही है? आज केशव प्रसाद मौर्य ही उनके निशाने पर क्यों रहता है? क्योंकि उनको लगता है कि उनको जब पिछड़ों को धोखा दे करके वोट लेते थे, गरीबों को धोखा दे करके वोट लेते थे, अब वह युग चला गया है, लोग जाग गए हैं। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का विकास हुआ है, देश में भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार हुआ है, उससे समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है और साजिशवादी पार्टी बन करके उसने जो आचरण किया है इस बीच में, या साजिशवादी पार्टी बन करके आचरण करने का यही हस्त्र होगा कि समाजवादी पार्टी इतिहास के पन्ने में। कानपुर में बांग्लादेशी मूल के नागरिक रिजवान मोहम्मद के मामले में पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में फाइल की है। बता दें कि मूलगंज थाने में बांग्लादेशी नागरिक रिजवान, उसकी पत्नी हीना और सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, जिसको लेकर पुलिस ने सभी धाराओं में चार्जशीट फाइल की है। तो वहीं रिजवान की पत्नी हीना पर अतिरिक्त पासपोर्ट रखने का मामला भी दर्ज किया गया है। विवेचना के क्रम में हम लोगों ने कई लोगों के बयान भी लिए। विवेचना के क्रम में विधायक इरफान सोलंकी के कार्यालय में जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं या की जा रही थी, हमने उसको भी समझने का प्रयास किया और विवेचना के क्रम में हमने हस्ताक्षर का मिलान और अन्य चीज़ों को भी करवाया। ये हमने विवेचना के क्रम में पाया कि दो तरह के प्रपत्र लगातार जारी किए जा रहे थे और हमने दोनों तरह के प्रपत्रों की तमाम प्रतियां हासिल की हैं। एक वो प्रपत्र हैं जिन पे विधानसभा के प्रॉपर जो नंबर इत्यादि अंकित हैं, और एक दूसरे प्रपत्र है जो वहीं से जारी किए जा रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको प्राप्त भी कर चुके हैं और उन सभी लोगों के विवरण और डिटेल भी हमारे पास हैं। वो सारी चीज़ें विवेचना का विषय हैं और विवेचना के क्रम में सभी तथ्यों को हमने विवेचक ने शामिल किया है, जो माननीय न्यायालय के समक्ष रखा गया है, और इसी क्रम में माननीय न्यायालय ने सभी तथ्यों को देखते हुए, चीज़ों को स्वीकार करते हुए, इनको पुलिस अभिरक्षा में भी रखा है और फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है उसको पूरा करते हुए चार्जशीट भी सभी तथ्यों को समाहित करके किया गया है। प्रयागराज में कृषि विभाग ने 9 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया। मेले में आए विभिन्न संस्थान मोटे अनाज के संबंध में किसानों को प्रशिक्षण देकर जागरूक बना रहे हैं। अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने मेले में लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया है और कहा कि माघ मेले में देश के कोने कोने से लोग यहां आते हैं। किसानों को अच्छा प्रशिक्षण देकर उन्हें जागरूक किया जाएगा, जिससे गाँव वापस लौटे किसान अच्छी पैदावार कर अपनी आय बढ़ा सकेंगे। देखिए, ऐसा है कि ये जो किसान मेला है, क्योंकि माघ मेले का बहुत महत्व होता है प्रयागराज में, यहाँ बहुत सारे लोग दर्शन करने आते हैं, गंगा जी में डुबकी भी लगाते हैं, अपना कल्पवास भी करते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय होता है जब, क्योंकि सब ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा लोग आ रहे हैं इसमें, कि वो इस किसान मेले का भी लाभ उठाएँ। तो हम लोगों ने यहाँ पर वृहद स्तर से जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी के लिए स्टॉल्स लगाए हैं, और साथ ही साथ जो निजी क्षेत्र में FPOs हैं या उद्यमी हैं, वो जो कार्य कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर रखा है, जिससे उससे प्रेरित होके वो लोग जाएं और अपने अपने जब गांव वापस जाएं, या इलाहाबाद प्रयागराज के आसपास के, प्रयागराज के आसपास के भी जो गाँव के लोग मेले के लिए आ रहे हैं या अदरवाइज़ माघ मेले में आ रहे हैं, वो लोग भी इसको देखें और अपना लाभ उठाएं, जिससे कि किसानों की आय हम बढ़ा सकें। कानपुर में एक दिव्यांग युवती ने इलाके में रहने वाले दबंग युवक पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। वहीं इस मामले में कोई कार्रवाई न होने से दिव्यांग युवती हताश होकर न्याय की गुहार लगाने पुलिस कमिश्नर के पास पहुंची। वहां पुलिस ने कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित को भगा दिया है, और इतना ही नहीं, पुलिस ने उल्टा लड़की के परिजन समेत कई लोगों पर कार्रवाई की। पुलिस या कार्रवाई से परेशान होकर पीड़ित दिव्यांग और इलाके के लोग पुलिस कमिश्नरेट पहुंची और निष्पक्ष जाँच की मांग की है। पनकी थाने से एक शिकायत आई है और इस पे ACP पनकी जांच करके तत्काल कार्रवाई करवाएंगे। ये ऐसा प्रकरण अभी तत्काल ही आया है, ऐसा प्रकरण तत्काल ही आया है, इस पे तत्काल कार्रवाई करवाई जा रही है।
हरदोई पुलिस ने सांडी गांव में अधेड़ की हत्या का खुलासा किया है। आरोपी रिजवान को पुलिस ने बरौलिया पुलिस पर घेराबंदी करके गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक अतुल उसका दोस्त है। पत्नी से अवैध संबंधों के शक में सखेड़ा गांव लाकर अधिक गांजा पिलाया और पत्थर से सिर कूचकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हत्यारोपी की निशानदेही पर रक्त रंजित पत्थर का टुकड़ा और पैंट की बरामद की है। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। दिनांक का 1 फरवरी को जनपद के थाना सांडी के गांव में खेतों में एक मृत व्यक्ति के बारे में सूचना मिली थी, जिसकी शिनाख्त उसी थाना क्षेत्र के एक अतुल द्विवेदी नाम के व्यक्ति के रूप में हुई। उसके सर पर वार किया गया था। पोस्टमार्टम से सर के पे हुए वार से मृत्यु होना ज्ञात हुआ था। परिजनों ने पड़ोस के गांव के एक रिजवान नामक व्यक्ति पर शक जाहिर करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया था, जो फरार चल रहा था। इस रिजवान नामक व्यक्ति को आज अरेस्ट किया गया है, जिसने स्वीकार किया कि अपनी पत्नी से अवैध संबंधों के शक पर उसने इस अतुल द्विवेदी की हत्या की थी। बुलंदशहर में पुलिस और साइबर क्राइम की टीम को सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने फर्जी आईडी की सिम एक्टिव कर अन्य राज्यों में सप्लाई करने वाले 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। टीम ने आरोपियों के कब्जे से 33 सिम कार्ड, एक बायोमेट्रिक मशीन और कई अन्य सामान भी बरामद किए हैं। इनसे एक बायोमेट्रिक मशीन जो जिससे ये आधार कार्ड जिस पे ये सिम जारी करते थे, एक लैपटॉप, इनके 2 मोबाइल फ़ोन और 33 सिम कार्ड बरामद हुए हैं जो इनके पास मिले। सर, इनको कोई आपराधिक इतिहास कोई पिछला? इनका अभी पूर्व का इतिहास जानकारी में नहीं आया है और इनकी जानकारी की जा रही है कि कहीं और किसी थाने में अन्य जगह मुकदमे दर्ज है या नहीं दर्ज है। तो अभी इन पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया कोतवाली देहात में और गुलावटी में, इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई में दिनदहाड़े नवाब के हवेली में असलाहधारियों ने हल्ला बोला है। आपको बता दें कि 3 गाड़ियों पर सवार करीब 20 लोग कट्टे और बंदूक लेकर घुस गए। इस करतूत से हड़कंप मच गया। वहीं चौकीदार के टोकने पर असलाहधारियों ने उसे धमकाया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस आगे की जाँच में जुट गई है। ये टरियावा में एक गोपा मऊ कस्बा है, वहाँ पे एक नवाब मंजिल करके जगह है, जो कि बताई जाती है कि मोहम्मद साद है उनकी है। और वहाँ पे कुछ व्यक्ति आए और उन्होंने ये कहा कि इस पे हमारा मुकदमा चल रहा है और ज़बरदस्ती घर में घुसे। नवाब मंजिल के अंदर घुस के वहाँ पे जो चौकीदार थे उनको धमकाया और उनके साथ अभद्रता किया। ये लोग कुल 3 गाड़ियों में सवार होकर करीब 15 लोग थे। तो इस पे मोहम्मद साद ने एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें 2 लोगों को नामजद किया गया है और 15 लोग अज्ञात किए गए। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस पर टिप्पणी के विरोध में कानपुर कचहरी के अधिवक्ताओं ने पुतला दहन किया है और जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। अधिवक्ता रंजन सिंह ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी अशोभनीय है। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ पर टिप्पणी करके उन्होंने हिंदू समाज को बांटने का प्रयास किया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव पर सवाल उठाते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध नहीं किया बल्कि उन्हें पार्टी में ऊंचे पद पर बैठाया है। उन्होंने कहा कि यह साफ जाहिर है कि अखिलेश यादव भी स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों को मालूम है और आप लोग के मीडिया के चैनल के माध्यम से ज्यादा ज्यादा देश के लोगों को मालूम पड़ा कि रामचरितमानस को लेकर एक जिम्मेदार नेता जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, इस समय इस बयान के बाद से उनको माननीय अखिलेश यादव जी ने राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। उन्होंने रामचरितमानस, हमें लगता है हिंदू समाज में ऐसा कोई परिवार नहीं हो गया कि जिसके यहाँ छोटे या बड़े रूप में रामचरितमानस किताब ना हो। आज हम लोग 21वीं सदी में पहुँच गए हैं। अखंड भारत की हम बात करते हैं, अखंड भारत की बात में ये छोटे बड़े ऊंच नीच की बात कहाँ से आती है। ये इन्होंने जो बयान दिया रामचरितमानस का, जो इन्होंने प्रतियां जलाई हैं, ये इनकी एक छोटी मानसिकता है, ये देश को बांटना चाहते हैं। खबर
लखनऊ से है, जहां तुर्की में आए महाविनाशकारी भूकंप में राहत और बचाव कार्य के लिए वाराणसी की एनडीआरएफ टीम रवाना हो चुकी है। कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा के निर्देशन में प्रशिक्षित बचाव कर्मियों के 51 सदस्यीय दल को प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड और आधुनिक खोज एवं बचाव के उपकरणों के साथ वाहिनी मुख्यालय चौकाघाट से टीम को एयरपोर्ट वाराणसी रवाना किया गया है। आपको बता दें कि महाविनाशकारी भूकंप में हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं अब जरूरतमंदों की मदद के लिए टीम रवाना हो चुकी है। लखनऊ के गुंडम्बा थाना के पैकरा मऊ प्रधान धर्मकांटा स्थित एक होटल में मारपीट और फायरिंग करने का मामला प्रकाश में आया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि होटल में खाना खा रहे युवकों की आपस में किसी विवाद में कहासुनी हो गई, जिसके बाद स्कॉर्पियो फॉर्चूनर कार से पहुंचे दबंगों ने जमकर मारपीट की और फायरिंग भी की। जांच पड़ताल में दोनों पक्ष इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के छात्र बताए जा रहे हैं। आज लगभग 2:30 को पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि थाना क्षेत्र गुडम्बा का पाइक्रोमा इलाका में प्रधान गर्म टाटा के पास दो पक्ष के बीच में लड़ाई हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंचा और जिसको चोट लगी उनको इलाज के लिए भेजा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि दोनों ग्रुप के बीच में पुराना रंजिश का मामला चल के आ रहा था। वो लोग वहीं पे पहुंचा, एक काला कलर स्कॉर्पियो में पहुंचा और उनको मारा पीटा लाठी डंडों से, और भागने के वक्त वो बचने के लिए हवाई में फायरिंग किया। मौके पर शांति है, तहरीर प्राप्त कर थाना गुडम्बा द्वारा मुकदमा लिखा जा रहा है। फरीदाबाद के सूरजकुंड में 36वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन नॉर्थ ईस्ट स्टेट थीम पर किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के हस्तशिल्पकार अपनी हाथों से बनी सामानों की प्रदर्शनी लगाई है। नॉर्थ ईस्ट के असम राज्य से आए राजू तमांग के दोनों पैर बचपन से ही खराब है। दिव्यांग राजू तमांग के पैर नहीं होने के बावजूद अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी जीविका बेहतर ढंग से चला रहे हैं और करीब 50 लोगों को रोजगार प्रदान किया है। राजू तमांग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। जी, सारा प्रोडक्ट हम कैन और बैम्बू के ऊपर बनाते हैं और प्रोडक्ट्स हम यूजेबल किचन से लेकर पूरा डेकोरेशन तक हम सारा चीज़ें बनाते हैं और फर्नीचर वगैरह भी बनाते हैं। तो डेकोरेशन में क्या क्या बनाते हैं, घर का सामान क्या क्या बनाते हैं? जी, किचन के लिए हम ये पोस्टर वगैरह, ट्रे हो गया, कप्स हो गया, ये सब बनाते हैं। गिलास है, हाँ ग्लास है, और बोतल यूजल, और डेकोरेशन के लिए हम ये राइनो सब और ये सिप्स टाइटैनिक का और ये आपका गणेश जी का मूर्ति, ये सब बनाते हैं। रायबरेली के ऊंचाहार में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल गांव चले अभियान के तहत बीएसपी डेलीगेशन के साथ जनपद पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं, हर विधानसभा में 2 बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने निकाय चुनाव पर कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है, आने वाले चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान पर कहा कि नेताओं को रोजगार, युवाओं को बेहतर शिक्षा, किसानों और महंगाई के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। देश में धर्म गुरु है, वह इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो गांव चलो अभियान के तहत सेक्टर बूथ की समीक्षा हो रही है और ये लगातार हर जनपद में, हर सेक्टर में मीटिंगें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 403 विधानसभाएँ हैं, जिसमें एक विधानसभा में डेली 2 मीटिंगें हो रही हैं। अब ये जान लीजिए कि 806 मीटिंगें डेली चल रही हैं और मैं डेली किसी न किसी जनपद में जा करके वो जो बैठकें चल रही हैं उसी में कहीं ना कहीं शामिल होने का काम करता हूँ। आज मैं रायबरेली आया हूँ, अभी मुझे जिस भी सेक्टर की बैठक में जाना होगा मैं वहाँ जाकर समीक्षा करूँगा। प्राथमिक विद्यालय चक्रा भार्गव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्कूल के छात्र छात्राओं की तरफ से विशेष प्रस्तुति पेश की गई है। मुख्य अतिथि रायचंद्र भूषण सिंह ने कहा कि बच्चे देश का उज्जवल भविष्य हैं। शिक्षा ऐसा ज्ञान है जो ग्रहण करेगा वो हमेशा चमकता रहेगा। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम में प्रस्तुत देने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रधानाध्यापक कृष्ण कुमार सिंह मुख्य अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है ताकि हमारे विद्यालय का नाम रोशन हो।
बच्चे जो पढ़ने में अच्छे हैं, मेधावी हैं, हर कक्षे में प्रथम द्वितीय तृतीय आए हैं, उन बच्चों को सम्मानित किया गया है, पुरस्कार देके टिफिन दिया गया है सारे बच्चों को, 40 बच्चों को टिफिन देके उनका उत्साहवर्धन किया गया है। आज चक्रा भार्गव के प्राथमिक विद्यालय में आने के बाद वास्तव में ये लगा है कि 1984 के बाद जो प्राथमिक विद्यालय लुप्त हो रहे थे और शिक्षाएँ यहाँ से ख़त्म हो रही थीं, तो माननीय उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्राथमिक विद्यालयों को जो सराहना प्रोत्साहन मिल रहा है, यहाँ आने के बाद वास्तव में देख के ये लगा है कि यहाँ से जो प्रतिभाएं निकलेंगी वास्तव में उत्तर प्रदेश नहीं देश का नाम रोशन करेंगी। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें 1 से 2 से लेकर 38 तक का पहाड़ा याद है। रायबरेली के सरीनी कोतवाली स्थित धूरी मऊ गांव निवासी ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान लेखपाल की मिली भगत से आरोपी सुशील कुमार पर अवैध अतिक्रमण कर मकान निर्माण कराने का आरोप लगाया है। अवैध अतिक्रमण की सूचना पर खबर करने गए पत्रकार के साथ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विजय शंकर गुप्ता ने पत्रकार के साथ छीना झपटी और कवर के फोटो वीडियो को हटाने का प्रयास किया है। ग्रामीणों का कहना है कि मामले की शिकायत आला अधिकारियों से भी की थी पर अभी तक उचित कार्रवाई नहीं की गई है। ग्राम सभा में हमारे जो है पूरा जो है प्रधान द्वारा लेखपाल द्वारा और प्रशासनी सब जो है इन्होंने जो है जबरदस्ती बनवा रखे। कौन बनवा रखा है? सुशील कुमार जी अस्पताल बन रहा है मकान। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार, मैं दूरे मंगवाओं का निवासी हूँ। मेरे बुजुर्गों की 100 साल नहीं, ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप? प्रदर्शन इसीलिए कर रहे हैं कि इसकी जमीन हमारे बुजुर्गों के समाज के स्थल के सामने है, मेन फ्रंट पे, और ये प्लान और लेखपाल और कानून को सब मिलके इसको बेच रहे हैं। इसको मैं कह रहा हूँ इसकी पूरी पैमाइश कराई जाए, अगर सही है तो उसको दी जाए, अगर सही नहीं है तो फिर मुझे दी जाए। मेरे सामने इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की? हमने SDM के पास किया, हमने लेखपाल के पास किया, हमने DM साहब के सामने किया, हमने पुलिस अधीक्षक के सामने किया, हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाल रखा ऑनलाइन। हमला लेकर आए हैं कि ग्राम प्रधान सविता देवी के पति दुर्गा शंकर, उनके बड़े भाई विजय हलवाई, उन्होंने 396 गाटर नंबर में जो कि सुशील कुमार ने खरीदा था उसको 24 घंटे के अंदर साठ गांठ करके पुलिस से लेखपाल कानून को साठ गांठ करके उसमें बना लिया और जाके इनकी ज़मीन पे इनकी समाधियां हैं, इनकी लड़के की समाधि है, भाई चाचा की, पीती की, बाबा बाबा की समाधि है, उन पे अवैध कब्जा कर रहे हैं। सहारनपुर के थाना देवबंद क्षेत्र में युवक पर तेजाब फेंकने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें SPCT अभिमन्यु मांगलिक ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी है और बताया कि आरोपी के संबंध एक युवती से थे जिसकी शादी किसी दूसरे युवक से तय हो चुकी थी। इस बात को लेकर आरोपी युवक ने अपने साथियों संग तेजाब फेंके जाने की घटना को अंजाम दिया है। गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। जी हाँ, परसों 6 तारीख को सूचना मिली थी कि शुभम नामक युवक पर कुछ लोगों ने तेजाब फेंक दिया है, तो देवबंद पुलिस ने इसमें एक टीम बनाई और आज 8 तारीख को इसमें 7 टोटल अभियुक्त थे जिसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेन मोटिव इसमें यह निकल के आया है कि शुभम की मंगनी हो गई थी एक लड़की के साथ और उस लड़की के साथ संबंध थे इसमें जो मेन मास्टरमाइंड उदय भोला है उसके, तो उसी के सारे दोस्त थे जिन्होंने मिलकर ये प्लानिंग करी। एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल में लोग आए, इन्होंने शुभम को फोन करके किसी बहाने बुलाया और उस पर तेजाब फेंक दिया। गाजियाबाद में कोर्ट में तेंदुआ के आने से हड़कंप मच गया। तेंदुआ ने कई लोगों को घायल कर दिया जिसके बाद वकील और कोर्ट के स्टाफ ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। वहीं पुलिस और वन विभाग को इसकी सूचना दी गई और पुलिस और फॉरेस्ट की टीम मौके पर पहुंची। ये पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। का बना हुआ है जी, क्योंकि कोर्ट परिसर के अंदर एक तेंदुआ आया और उसने एक आदमी को घायल भी किया है। कुछ पुलिस वाले भी घायल बताए जा रहे हैं? हाँ, सुनने में आया है कि एक पुलिस वाला घायल हुआ है उसका। तो कितनी देर हो गई इस? अभी भी अंदर है वो कोर्ट परिसर के अंदर। अच्छा, किस तरफ देखा गया कोर्ट में? ये जो ADJ वाली कोर्ट है उनकी गैलरी के अंदर, फर्स्ट फ्लोर। लगभग कितना बड़ा होगा और देखने में कैसा लग रहा है? कुछ देखा है? बड़ा है, बच्चा नहीं कह सकते आप।
संभल में चेकिंग के दौरान पुलिस ने लूट के मुकदमे में फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी 25,000 रुपए का इनामी बदमाश था। पूरा मामला मोड़ थाना चंदौसी पर हो रही चेकिंग के दौरान का है। सिद्धार्थनगर में तैनात प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षिकाएं इन दिनों शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर बैठे हैं। सत्याग्रह कर रही शिक्षक और शिक्षिकाओं की मांग है कि और जनपदों की तरह इनका भी अंतरजनपदीय स्थानांतरण किया जाए। पिछले 3 दिनों से स्कूलों में शिक्षण कार्य करने के बाद यह शिक्षक और शिक्षिकाएं मुख्यालय स्थित जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय पर शांतिपूर्ण सत्याग्रह में 3 घंटे तक बैठती हैं और उनकी यही मांग होती है कि किसी तरह इनका अंतर जनपदीय स्थानांतरण किया जाए। करीब 8 सालों से अपने घर से दूर यहां अपनी सेवा दे रही हैं। अपनी परेशानियों को बताते हुए भावुक हो गई। मैं सना परवीन हूं और मैं उन्नाव की रहने वाली हूं। मेरे बच्चा 2.5 साल का है, उसे ऑटिज़म नाम की एक बीमारी है जिसके लिए डॉक्टर ने मुझे इतना लंबा प्रोसेस बताया है कि जिसकी वजह से मैं ना यहां पर अच्छे डॉक्टर्स हैं और ना ही मैं उसका अच्छा इलाज करा सकती हूं। मैं किस लेवल पर उसका 8 साल से मैं यहाँ पर पोस्टेड हूँ और जब ये आकांक्षी नहीं था जब हम लोग यहाँ आए तो उसके बाद का आकांक्षी है। 2 बार ट्रांसफ़र हो चुके हैं और मुझे मेरे बच्चे को दिखाने के लिए पूरा 2 से 3 साल चाहिए, इसलिए मुझे ट्रांसफ़र अब चाहिए। और प्लीज़ मेरा ये सबसे आग्रह है कि मैं सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाह रही हूँ कि प्लीज़ हम लोग का आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। मुझे यहाँ पे 7-7.5 साल प्रॉपर हो चुके हैं यहाँ पे रहते हुए। 2 बार हमसे फार्म भरवाया गया और लास्ट टाइम पे हमको आउट कर दिया गया। क्या ये आकांक्षी सिर्फ शिक्षकों के लिए है? लेखपाल का ट्रांसफ़र होता है, मेडिकल बैकग्राउंड वाले लोगों का ट्रांसफ़र होता है, सिर्फ पर्टिकुलर हमारे लिए क्यों है? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है मेरा कि हमें इसका भी जवाब मिले। दो भर्तियाँ आप कर चुके हैं, 68 हमारे रोग के बाद 68 पासों का कर चुके हैं, 59,000 का कर चुके हैं, तो क्या अभी भी आप परिपूर्ण नहीं कर पाए यहाँ पर? हमसे उम्मीद हमसे एफिडेविट नहीं लिया। हमने जब ज्वाइनिंग करी तो ये जिला आकांक्षी नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं आगे चली जाती। मेरी दो बेटी अपना घर छोड़ के रह रही है यहाँ पर, मैं यादादपुर कैसे यहाँ रहती हूँ मुझे पता है। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो